बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो टॉपिक है आपके पास वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जस्ट लाइक वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके पास स्टेबल और एक्यूरेट रेजिस्टेंस हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं जिसे आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं सर्किट्स के लिए, ताकि आप करंट को वेरिएट कर सकें और करंट कंट्रोल कर सकें। वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस इज इंक्लोज इन अ इंसुलेटिंग कवर। ओके, तो ये एक इंसुलेटिंग कवर के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि आप अपनी मर्जी से करंट को फ्लो करा सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकते हैं। Generally, nickel chromium is used because of its very small temperature coefficient of resistance. Wire bound resistance can safely operate at higher temperature than carbon type resistors. यानी कार्बन टाइप वाले रेजिस्टर से ज्यादा आपके पास ये वाला जो रेजिस्टर है वो बेहतर है, क्योंकि वो जो रेजिस्टर होते हैं कार्बन टाइप रेजिस्टर वो ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क नहीं करते, ख़राब हो जाते हैं। ये आपके पास हाई टेम्परेचर पे वर्क करने वाला और हाई टेम्परेचर पे कंट्रोल करने वाला रेजिस्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायर बाउंड रेजिस्टर्स, रियोस्टेट एंड पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट का नाम आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, नहीं सुना तो आप लैब में सुनेंगे, लैब में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंशियल डिवाइडर भी आपके पास लैब्स का ही काम है, सही है, बट इसको सर्किट के थ्रू बनाया जाता है। ओके, और इसका अपना एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मौजूद है सेकेंड ईयर के। रियोस्टेट, टू यूज द वेरिएबल रेजिस्टर एज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, वन ऑफ द बेस्ट रेजिस्टर इज रियोस्टेट। यानी अगर आपको सर्किट में करंट को कंट्रोल करना है और कोई डिवाइस चाहिए तो रियोस्टेट इज द बेस्ट ऑफ दीज। The resistance of rheostat is changed when the slider or wiper is moved over the resistive part. अब ये slider या wiper क्या है वो मैं आपको picture दिखाऊंगा तो बताऊंगा। यानी कि easily आप जैसे जैसे slide करते जाते हैं resistance बढ़ती जाती है या कम होती चली जाती है। The resistive element of rheostat is made up of coil, wire or thin carbon film. तो जो rheostat बना हुआ होता है वो कॉयल से, यानी कॉयल ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, या थिन कार्बन फिल्म होती है उसके ऊपर बहुत बारीक से। कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन की काम कैसे करता है, तो इफ वी यूज द टर्मिनल ए, मैं आपको पहले डायग्राम भी दिखा देता हूँ। इफ वी यूज द टर्मिनल ए एंड बी, सही है, ए और बी आप टर्मिनल यूज कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह से नजर आता है। एक तरफ से आपको इन दोनों में से किसी एक पे ज्वाइन करना पड़ता है, दूसरी तरफ आपको बी से ज्वाइन करना जरूरी है, सही है। हाँ, लेकिन अपोज में होना चाहिए। यहाँ पे भी एक टर्मिनल हुआ करता है, अगर आपके पास लाइव होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अगर आप गलती से इधर से जोड़ दें तो फिर आपको यहाँ से जोड़ना होगा। इसके कोई पोल्स नहीं है, आपकी मर्जी है। आप ए में लगा रहे तो बी में जोड़ना होगा, सी में लगाएंगे तो यहाँ डी में जोड़ना होगा, सही है। यहाँ पे अगर अभी कुछ भी नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि ए और बी में जोड़ें, बी और सी में नहीं जोड़ सकते, दोनों सामने सामने, सही है। सो इफ यू यूज टर्मिनल ए एंड बी इन द रेजिस्टेंस, ए और बी को मैं करंट, यानी ये सर्किट में कनेक्टेड है, द मिनिमम रेजिस्टेंस इज अचीव व्हेन वी मूव द स्लाइडर वाइपर क्लोजर टू टर्मिनल ए। यानी मैं जैसे जैसे करीब लेके जाऊंगा ए के, तो आपके पास वाउंडिंग्स कम होगी, रेजिस्टेंस भी कम होगी, क्योंकि वाउंडिंग से ही रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। जितना ज्यादा बड़ा वायर होगा रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो मैं जितना करीब रखूंगा इसको, सही है, मैं इसको करीब ले जाऊं और करीब ले जाऊं, सही है, यहां पे ले आऊं। अगर मैं इसको यहां ले आता हूं तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक वायर है, फॉर एग्जांपल एक वायर नहीं होता, ये बहुत क्लोजली वाइंडेड होते हैं, तो एक तो वायर पर कभी भी नहीं कर सकते। समझ लो कि यहाँ पे एक वायर है जिससे करंट पास हो रहा है, बाकी सारे डिस्कनेक्टेड है इससे। इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मूव करा दूं दूसरी तरफ, जैसे ये जा रहा है और दूसरी तरफ मूव करते हुए मैं बिल्कुल करीब ले गया उसके, यहाँ बना दिया मैंने, तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वायर्स इसने पास कर लिए, ये सारे के सारे कनेक्ट हो गए,
जितने रह जाएंगे वो डिसकनेक्टेड है, तो जितने हो आपके पास पास कर चुका है वो कनेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे 3 लाइन दिखा रहा है, ये बॉक्स यहाँ पे 3 वायर्स को पास कर चुका है, 1, 2, 3 वायर से जो करंट आएगा अब वो रेजिस्टिव करंट होगा, यानी कि रेजिस्टेंस उसमें बढ़ चुकी होगी, जिसकी वजह से करंट की अमाउंट कम होगी। सही है। और फिर आप ए से बी और बी से ए मूव करते चले जाएं, आपके पास रेजिस्टेंस कम और ज्यादा होता चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ब्लॉक एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोर्ट एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसके उल्टा होता रहेगा। मैंने आपको समझा दिया, आप फोन वर्डिंग्स में भी इसको लिख सकते हैं, डायग्राम जरूरी नहीं है, इस तरह की सर्किट डायग्राम टाइप की बनाना चाहो तो बना लो। सर्किट डायग्राम इसकी कैसी होती है मैं समझा देता हूँ। तो सर्किट डायग्राम के लिए आपके पास, मैंने जैसे कि वेरिएबल रेसिस्टेंस बनाना सिखाया था ना, तो सर्किट डायग्राम में इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस के तौर पे ही बनाया जाता है। सही, ये तो रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर आप रियोस्टेट बनाना चाह रहे हैं, रियोस्टेट इज नॉट वेरिएबल रेजिस्टेंस, इज आल्सो बेसिकली करंट एनालाइजर, सॉरी करंट कंट्रोलर डिवाइस। तो आप इसमें एक चीज देखेंगे, आप इस तरह से ही बना सकते हैं, समझ में आ जाएगा ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं यहां बना देता हूं। दूसरे तरीके में भी एरो ही यूज होना है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह। सही, ये एक्चुअली रेहू स्टेट का सिंबल है। ये बना हुआ नजर आएगा तो आपको क्लिक करना चाहिए सर, यहाँ रियोस्टेट लगना है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल रेजिस्टेंस लग सकता है, ठीक है, कुछ भी लग सकता है, पोटेंशियोमीटर लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, लगा दें। रेगुलेटर डिमर जो होता है वो भी आपके पास एक तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वायर वाउंडेड अगर आपके पास रियोस्टेट यूज करना है तो आप बेहतर है ये वाला सिंबल यूज करें। ओके, तो ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बट ये खास तौर पे रियोस्टेट का सिंबल है। ये पॉइंटर इस वाले येलो वाले पॉइंटर को शो कर रहा है, ठीक है, कि ये कहाँ कनेक्ट करेगा, और ये जो है ये वायरिंग को शो कर रही है। सही बेटा। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट वाले रेजिस्टर की बात करते हैं, विच इज पोटेंशियल डिवाइडर। सो पोटेंशियल डिवाइडर क्या चीज है? पोटेंशियल डिवाइडर आपके पास बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर, ये पोटेंशियल डिफरेंस पे काम कर रहा है। द टू रेजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर इज यूज्ड ऑफन टू सप्लाई वोल्टेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन अवेलेबल बैटरी और पावर सप्लाई। तो इसमें हम दो रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप वोल्टेज को दोनों की तरह से इक्वली डिवाइड करके, 50 40 डिवाइड करके, 40 60 डिवाइड करके, 30 70 डिवाइड करके अपने वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, और पावर सप्लाई के मुताबिक उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन द आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ लोड इट ड्राइव। सही, तो वो आपके पास लोड के रेजिस्टेंस पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि ये सर्किट डायग्राम, सही, ये बुक की डायग्राम है आपके, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सिंपल सर्किट है और इसमें लगा दिया है पोटेंशियोमीटर। ये देखो, पोटेंशियोमीटर के लिए भी हम यही करते हैं, एरो साइन लगाते हैं, इसको कोई फिक्स भी कर देता है, इसको आप वेरिएबल भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिक्स करने पे भी आपके पास चेंजेस हम ला सकते हैं, सही है, लेकिन हम इसको अक्सर वेरिएट करके रखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंटर रखते हैं जो इस रेजिस्टेंस को आगे पीछे मूव करके चेंज करता है। सही है, तो जहां पे ये पॉइंटर होगा वो पहला रेजिस्टेंस कहलाएगा जो डायरेक्टली सोर्स से कनेक्ट है, और जहां से ये कनेक्ट होगा बाकी जो रेजिस्टर बच जाएगा वो हमारे काम का नहीं होगा, वो सर्किट के यूज में नहीं होगा।
सही, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आर कह रहे हैं, और जो हम बना रहे हैं सर्किट के थ्रू जो वोल्टेज हमें देना है लोड पे, ये बीबीसी जो है ना वो लोड है। लोड का मतलब क्या, जो चीज़ हम चलाना चाह रहे हैं, हम का आप यहाँ पे लाइट जलाना चाह रहे हैं, हम फैन ऑन करना चाह रहे हैं, तो ये डिमर के तरह काम करेगा। ऊपर करोगे पंखा तेज हो गया, लाइट तेज हो गई, नीचे करोगे लाइट कम हो गई, सही। तो जितनी वाउंडिंग बढ़ती रहेंगी सेम एज रियोस्टेट, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। सो इफ आर बी सी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन ऑफ अ वायर बी सी, यानी कि बी और सी के दरमियान का रेजिस्टेंस है, एंड द करंट पासिंग थ्रू बी सी इज आई, और इन दोनों के दरमियान में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई कर रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी इज गिवन बाय वी बी सी इक्वल टू आई आर बी सी, सही है। अब हमने यहाँ पे ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया, वी इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वी सिर्फ वी नहीं है, वी बी सी कहलाएगा, सही है, और आई तो आई है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, आर बी सी। वी बी सी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओरिजिनल ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर होता है, सही है। क्या होता है ये होता है वी इज इक्वल टू आई आर। तो मैंने जो चेंज किया है वो मैंने शिफ्टिंग करके करा है, तो आई क्या होता है, वी अपॉन आर, सही है। इस चेंज से मैंने ये चेंज करा, आई की जगह पे वी अपॉन आर पुट कर दिया है, और अगले स्टेप में आर बी सी ओवर आर हो जाएगा इनटू द वी, सही। डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन आर बी सी ओवर आर कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 टू 1। When the context C moving towards B, the length and hence the resistance RBC of the portion decreases, thus the voltage decreases and vice versa. यानी कि अगर वही वाली बात को मैं दोहरा भी देता हूँ समझ में आ जाएगी, अगर मैं इस पॉइंटर C को B की तरफ मूव कराऊँ तो आप देख रहे होंगे कि ये इस वायर के करीब जा रही है जो कि डायरेक्टली किसके कनेक्ट है, किसके कनेक्ट है आपके पास, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, देखो करेंट इस तरह से फ्लो कर, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो जितना मैं इसके करीब ले आऊंगा आपके पास रेजिस्टेंस आपका क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, और जैसे ही मैं वापस इसको पीछे की तरफ लेके जाना शुरू करूंगा ए की तरफ, वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा काम होगा, आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सही है। तो अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो बेटा वोल्टेज भी कम होगा, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मैंने वोल्टेज को डिवाइड कर दिया, इसी वजह से हम इसको वोल्टेज डिवाइडर कह रहे हैं, कि वोल्टेज खत्म तो नहीं हो रहा, कम हो रहा है, तो बाकी वोल्टेज कहाँ गया, वो बाकी सर्किट में घूम रहा होगा जो हमारे लोड पे नहीं आ रहा, यानी कि वी कुछ और आ रहा था और हमारे इस वी को अलग वोल्टेज मिल रहा है, इस लोड को अलग वोल्टेज मिल रहा है, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर और पोटेंशियल डिवाइडर, सही है। तो वही वाली बात रियोस्टेट वाली, आप बी की तरफ आएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी वोल्टेज कम, ए की तरफ जाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी वोल्टेज, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, सही है। बात समझ में आ गई, गुड। थर्मिस्टर एक और आपके पास अप्लायंस है, आपके पास एक कंपोनेंट है, क्या होता है ये, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और अ रेजिस्टर हूज रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सही है। द टर्म इज कम्बाइन ऑफ थर्मल रेजिस्टर, ये ऐसा रेजिस्टर है जो टेम्परेचर के चेंज पे वर्क करता है। इट इज मेड ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड प्रेजेंस इन टू अ बेस बीट डिस्क और सिलिंड्रिकल शेप एंड देन इनकैप्सुलेट विद इन इम्परमिएबल मटेरियल सच एज इपॉक्सी और ग्लास, यानी कि इसको बनाया जो जाता है वो बीट डिस्क और सिलिंड्रिकल शेप में बनाया जाता है और इसको इपॉक्सी या ग्लास में कोटेड करके बनाया जाता है, सही। अ थर्मिस्टर हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर कैन चेंज वेरी रैपिडली, जैसे मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ उसके रेजिस्टेंस फौरन से चेंज होती है। टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ थर्मिस्टर इज वेरी हाई, इसकी कोफिशियंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे ही टेम्परेचर यानी कि इसको टेम्परेचर दिया जाता है वैसे ही सबको ये फटाफट एब्सॉर्ब कर लेता है। The temperature coefficient of thermistor can be positive and negative. इस पे बात करेंगे ये क्या मतलब है positive negative का।
तो जो नेगेटिव थर्मिस्टर होते हैं वो एनटीसी कहलाते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, और पीटीसी जो होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट कहलाते हैं। मतलब क्या है इसका, दिस यानी कि जो एनटीसी है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, दिस टेम्परेचर ऑफर्स मैनी एडवांटेज इन द एरिया। सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपके पास थर्मिस्टर है। ऑफ टेम्परेचर सेंसिंग विच इंक्लूड सेंसिटिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज। ओके, यानी क्योंकि ये टेम्परेचर को सेंस करता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। सही है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आपके पास जस्ट अ मिनट, तो नेगेटिव टेम्परेचर का मतलब है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस कम होगा। सही है, यानी टेम्परेचर और इस एनटीसी का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। सही है, टेम्परेचर और थर्मिस्टर, नेगेटिव थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर रिलेशन है वो इनवर्स है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम आपके पास में रेजिस्टेंस होगा, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको कोल्ड वाटर में डाल दूँ, बर्फ में डाल दूँ, तो इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें रेजिस्टेंस कब ऑफर होती है, जब ठंडी ठंडी जगह, तो इसको ये बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है। जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे कि -3 to -6% अगर चेंज हो रहा है तो पर डिग्री ये टेम्परेचर को नोट कर रहा होता है, बहुत माइनर अमाउंट। सही है, तो इसका मतलब आप उससे थर्मोमीटर भी बना सकते हैं, यानी कि मालूम कर सकते हैं कि वॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या पर्टिकुलर रूम। बात समझ में आ रही है, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टेम्परेचर चेकर, टेम्परेचर थर्मोमीटर बन सकता है, और बनाते हैं हम इसको, यूज करते हैं कुछ डिवाइसेस के अंदर भी यूज करते हैं, ताकि अगर अगर आपके पास कहीं पे बहुत ज्यादा कह सकते हो कि टेम्परेचर ज्यादा है, सही है, तो वहां का टेम्परेचर आपको फॉरन से मिलेगा और वहां पे आपके पास करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ सेंसिंग डिवाइस ऐसी बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी ऐसी डिवाइस या ऐसा सर्किट बनाना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही ज्यादा गर्मी बढ़े, सही है, वैसे ही एसी ऑन हो जाए। तो सेंसिंग कर ली इसने, तो सेंस करने के बाद उसने क्या करा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ रेजिस्टेंस बढ़ने कम होने शुरू हो गए। कम होने का मतलब करंट ज्यादा फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई चीज वर्किंग ऑर्डर में आ जाएगी, जस्ट लाइक आर एसी। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपके पास इसका बिल्कुल उलट है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास टेम्परेचर बढ़ने की वजह से चीजों को नुकसान ना पहुंचे उस जगहों पे ये यूज होता है, जस्ट लाइक आपके पास मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, करंट लिमिटिंग डिवाइसेस के तौर पे यूज होता है। सही है, यानी मैंने एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 240 वोल्ट वाला वहां पे करंट मूव कर रहा है, 440 वोल्ट वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, 1000 के ऊपर करंट जा रहा है या 100 के ऊपर करंट जा रहा है, तो ये हमारे लिए नुकसान थे उस वक्त होगा जब उस करंट की वजह से हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो उसी के साथ हम पीटीसी लगा देंगे, वो क्या करेगा, जैसे ही आपके पास बड़ा अमाउंट ऑफ करंट आ रहा होगा पीटीसी उसको डिटेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, यानी करंट को आगे नहीं जाने देगा। जैसे हमारे कटआउट्स काम करते हैं, कटआउट्स तो टूट जाते हैं ना, सही है, उसको उतना बारीक बनाया जाता है टूट जाते हैं, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, आगे ही नहीं बढ़ने देगा, नहीं भाई बहुत टेम्परेचर है आगे नहीं बढ़ने दे सकता। तो ये सेंसिंग डिवाइस इस तौर पे काम आती है, कुछ इस तरह के दिखते हैं ये, दो टर्मिनल वाले हैं, ये डिस्क वाला भी है, बीड वाला भी नजर आ गया, रॉड थर्मिस्टर भी है आपके सामने, और सर्किट में इस तरह से यूज होते हैं, ये जो एरो बना हुआ है ना ये थर्मिस्टर है। सही है, इसका सिंबल हम कैपिटल टी डिनोट करते हैं। तो सर्किट में नॉर्मली लगता है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, इसको आप कैसे यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कहाँ यूज कर रहे हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है,
इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन चार्जेस, मोटिव मतलब मोटिवेट करना, धक्का देना या आपके पास उबारना। तो ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करे चलने के लिए, धक्का दे उन्हें, प्रेशर दे, फोर्स दे, सही है। तो दो फोर्सेज आर नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इम्पार्टेड बाय एन एनर्जी सोर्स सच एज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर और बैटरी। एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन द जनरेटर और बैटरी एज डिवाइस डज वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज बीइंग ट्रांसफर्ड विद इट इटसेल्फ। तो आप कुछ कोई भी सोर्स इस्तेमाल करें, उस सोर्स को लगाने की वजह ही यही होती है। मैंने हमेशा बैटरी या जनरेटर को पंप के नाम से बोला, पंप, पंपिंग स्टेशन। वो किस चीज को पंप कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को, चार्जेस को पंप कर रहे हैं ताकि चार्ज आगे बढ़ सके, करंट फ्लो करा सके। तो वो पंपिंग बेसिकली ईएमएफ कहलाती है, सही है। साइंस के जमाने में पंप हम इस्तेमाल नहीं करते, बट पंप मैं इस वजह से बोलता हूँ, पंप के बारे में पता है, जैसे पानी को पंप किया जाता है, सही है, तो पानी आगे बढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है जितनी भी हाइट पे ले जाओ। तो ऐसे ही करंट भी आपके पास चार्जेस को पंप करने की वजह से फ्लो होता है, और वो पंप आपके पास बैटरी सोर्स हो सकती है कोई भी, सही है। और उस पंपिंग को, जिस वजह, जिस पंप, जिसकी वजह से पंपिंग हो रही है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ कहते हैं। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, बस अब हम इसको एक नए नजरिए से चेक करेंगे ये होता क्या। तो मैंने वही एग्जांपल यहाँ भी डाल दी, जस्ट लाइक अ पंप विच कॉजेज वाटर टू मूव लोअर टू हायर लेवल, सो इन अ बैटरी इट्स पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल ड्यू टू विच चार्ज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल विच कॉजेज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। यानी जैसे पानी लोअर से हायर लेवल की तरफ मूव करता है पंप करने की वजह से, बैटरी भी उसमें पंप का काम कर रही होती है, पॉजिटिव हायर टर्मिनल होता है यानी हायर पोटेंशियल पे ऊपर भी अज्यूम कर लो, और नेगेटिव टर्म, नेगेटिव जो होता है वो लोअर टर्मिनल पे होता है, सही है। तो जिसकी वजह से आपके पास हायर से लोअर की तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर जाते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, हायर से लोअर ऐसे नहीं चलना शुरू होंगे, बैटरी लगानी पड़ेगी, बैटरी बताएगी विच इज हायर विच इज लोअर, बैटरी का टर्मिनल बताएगा, पॉजिटिव हायर पे होता है, नेगेटिव लोअर पे होता है। इस वजह से बोलते हैं बैटरी देख के लगाओ, गलत लगाओगे काम उल्टा शुरू हो जाएगा। We can also define EMF, इसको हम symbolize करते हैं, E से of source equal to the work done in carrying one coulomb of charge through the source. Suppose Q coulomb requires an amount of work W joules to be transferred through the source E and volts given by this. तो EMF is work done per unit charge, कह सकते हो उसको, सही, क्योंकि ये voltage ही है, ये voltage ही है, okay? इसका unit भी volt से आप गौर कर सकते हैं, और वन वोल्ट हमेशा वन जूल पर कूलम के बराबर ही होता है, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम। तो मैं वोल्टेज को बार बार ईएमएफ क्यों कह रहा हूँ, या ईएमएफ ही कह रहे थे पहले, हमने वोल्टेज नाम क्यों रखा? तो बेटा ईएमएफ बैटरी का होता है, सही है, ईएमएफ बैटरी का होता है। जैसे कि मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, येलो कलर की ना बैटरी लगी हुई है, सही, और ये जो ब्लैक कलर में चल रहे हैं ये चार्जेज हैं, वहां से सुस्त आ रहे हैं, यहाँ पे बैटरी इनको एनर्जी दे रही है और ये भागते हुए आगे बढ़ रहा है, देख रहे हो। तो बड़ी अच्छी पिक्चराइज की हुई है आपके पास वो इमेज जो हम, मैं समझाना चाह रहा था कि चार्ज एंटर हुआ और एनर्जाइज होकर आगे बढ़ गया। तो ये जो येलो बॉक्स है जो कि बैटरी है, दिस इज बेसिकली प्रोवाइडिंग ईएमएफ। तो ईएमएफ पूरे सर्किट में नहीं होगा, ईएमएफ सिर्फ बैटरी के टर्मिनल्स तक महदूद रहता है। तो EMF वो वाला वोल्टेज है या वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी के टर्मिनल पे होता है, जब बैटरी के साथ कोई सोर्स नहीं लगाई जाती, सही है बेटा। तो बैटरी के साथ जब तक कोई सोर्स नहीं लगाई जाएगी तब तक आपके पास वो EMF रहेगा, या बैटरी के टर्मिनल्स में जो आपके पास काउंट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो कहलाता है EMF, याद रखिएगा भाई, वो कहलाता है EMF, सही है, वो कहलाता है ईएमएफ। बैटरी के टर्मिनल्स पे जो आपको वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो ईएमएफ है। और अब बैटरी को जब आपने किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया, सर्किट में जो दौड़ने वाला आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्टेज कहलाता है। डिफरेंस को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यूनिट में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट ईएमएफ इज अबाउट बैटरी। अगर मैं बोलूं ईएमएफ ऑफ सोर्स, तो आप दिमाग में बनाएगा बैटरी के टर्मिनल्स की बात हो रही है,
मैं वोल्टेज की बात करूं तो बैटरी का वोल्टेज नहीं होता, आपके पास वोल्टेज सर्किट का होता है, तो ऑल ओवर द सर्किट जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्टेज कहलाएगा। सही है, बात समझ में आ गई। इस आखिरी बात को सही से याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे नए टॉपिक्स को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे।